महाराष्ट्र में अब नया सियासी घमासान शुरू हो चुका है। शिंदे गुट और भाजपा के विधायक आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी हां, अब नया घमासान शुरू हो चुका है। अब तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की ओर से सीएम शिंदे के समर्थक विधायकों पर आरोप लगाए जा रहे थे कि इन लोगों ने 50 खोके एकदम ओके का करेक्ट कार्यक्रम किया है, यानी 50 लाख लेकर ठाकरे सरकार गिराने की साजिश की है। तो वही अब एक नया ट्विस्ट आया है इसमें। अब देवेंद्र फडणवीस समर्थक सांसद नवनीत राणा के विधायक पति रवि राणा ने शिंदे समर्थक निर्दलीय विधायक बच्चू कड़ुकर गुवाहाटी जाकर सरकार का साथ देने के लिए करोड़ों रुपए लेने का आरोप लगाया है। इससे बच्चू कड़ु एकदम तमतमा गए हैं। प्रहार जनशक्ति पार्टी प्रमुख और विधायक बच्चू कड़ु ने सीधे सीधे रवि राणा को 1 नवंबर तक सबूत पेश करने की चुनौती दी है। साथ ही उन्होंने सीएम शिंदे को चुनौती देते हुए कहा कि वे रवि राणा के खिलाफ एक्शन ले, वरना वो अकेले नहीं है, 7-8 विधायक उनके संपर्क में है। वे सब रवि राणा के ऐसे अक्सर किए जाने वाले आरोपों से दुखी है। बच्चू कड़ु ने कहा कि अगर रवि राणा के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो वे सब मिलकर बड़ा धमाका करेंगे। सीएम शिंदे एक्शन ले, वरना 7-8 विधायक धमाका करेंगे। हालांकि राणा ने कहा है कि जिसके दम पर, बच्चू कड़ु ने यह भी कहा है कि जिसके दम पर आरोप पड़ रहे हैं वो सामने आए, और रवि राणा ने जवाब दिया है कि मैं किसी से नहीं डरता, मेरे ऊपर फडणवीस का हाथ है, मैं बच्चू कड़ु से नहीं डरता। आखिर बच्चू कड़ु है कौन? ये नया सियासी घमासान महाराष्ट्र की सियासत में नया धमाका कर सकता है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि इस मामले को सुलझाया जाएगा, लेकिन अगर नहीं सुलझाया गया तो महाराष्ट्र सरकार पर एक बार फिर से बड़ा खतरा।